अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। भाई आज की वीडियो का सीन कुछ स्पेशल इस तरह से है कि दुबई के अंदर, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि दो तीन स्पॉट्स से जो है ना वो हमें क्रूज़ मिल जाती हैं। पहला स्पॉट आपको वेल नोन, सबको पता है, डेरा से क्रूज़ मिल जाती है। देन सेकेंडली मरीना से क्रूज़ मिल जाती है एंड देन थर्डली अलजदफ़ के एरिया से आपको क्रूज़ मिलती हैं। तो आज मैं अलजदफ़ के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर जो क्रूज़ मिलती हैं वो किस तरह से होती हैं, और मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर अलजदफ़ में मैंने ये चीज़ नोटिस की है और मरीना के अंदर भी है, यहाँ पर भी है कि आपको 3-star, 4-star और 5-star क्रूज़ मिल जाती हैं। डेरा में तो आपको सिर्फ नॉर्मल क्रूज़ मिलती हैं जो कि 3-star होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4-star और 5-star क्रूज़ भी मिल जाती हैं। तो आज हम एक्सपीरियंस करने आए हैं अलजदफ़ के क्रूज़ को और देखते हैं कि कितना डिफरेंस है यहाँ में और डेरा वाले में, और किस तरह के क्रूज़ हैं, किस तरह का मेन्यू है खाने का और क्या चार्जेस हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप ये बेहतरीन सा व्यू देख रहे हैं, इस तरह की ये क्रूज़ जो है शिप्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं। जो याचेस हैं, जो बड़ी बड़ी याच हैं, वो 5-star याच यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और बैक साइड पे जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये पार्किंग के लिए आपको इजीली कच्चा वाला एरिया मिला हुआ है जहाँ पे आप इजीली कार पार्किंग कर सकते हैं, फ्री पार्किंग, और नॉर्मल प्रॉपर पार्किंग भी है वहाँ पर। और प्रॉपर पार्किंग में लिमिटेड स्पेस है, तो अगर आप टाइमली आ जाएंगे तो आपको अच्छी पार्किंग मिल जाएगी, अदरवाइज़ कच्चे वाले एरिया में भी आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और ये एक वाटर कैनाल है ये वाली ना, तो इससे इसका एक एक्सपीरियंस अलग है, डेरा वाली जगह का एक एक्सपीरियंस अलग है, इसका एक्सपीरियंस अलग है। तो इसको आज एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। चलिए आइए मेरे साथ। ओके, तो भाई यहाँ पे आपने गाड़ी पार्क की, गाड़ी पार्क करने के बाद आप आ जाएंगे इस ब्रिज की तरफ। यहाँ से आपने लिफ्ट लेनी है, लिफ्ट से आप ऊपर जाएंगे और इस ब्रिज को ऐसे क्रॉस करके आप उस तरफ अपने जाना, क्रूज़ आपको मिलेगी वहाँ पर। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से लिफ्ट से ऊपर आ गए इस ब्रिज के ऊपर, ब्रिज को क्रॉस करना है और आपने जाना है उस तरफ। ओके, दिस इज़ द व्यू ऑफ अलजदफ़ एरिया। फाइनली अब हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं इतना कुछ पैदल चलने के बाद, और ये कुछ 5-star बोट्स खड़ी हुई हैं और 4-star बोट्स खड़ी हुई हैं। लेट मी फाइंड माय बोर्ड, किधर है जी। ओके, तो फिर अभी जो है ना वो हमने यहाँ से नीचे उतरना है, बोर्डिंग बे की तरफ अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम अपने बोर्डिंग करेंगे अपनी शिप, अपने क्रूज की तरफ। नहीं, ये वाली नहीं है, आगे वाली है जी। दो बंदे वीडियो बना दे, आई डोंट नो, लेट्स सी। प्लीज नीचे देखिएगा, एहतियात करें। वहाँ से डेरा वाले से जो है ना वो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है, मींस के पानी आपके बहुत ज़्यादा करीब है, और वो वाली उस तरह की क्रूजेज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही मुझे। सिर्फ एक वो है, वो लकड़ी वाली जो बोट, वुडन बोट, उसके अलावा ये बड़ी बड़ी याचेस हैं, और ये 5-star याचेस हैं ये सारी ना। तो ये याच और ये जितनी भी याचेस हैं ये 4-star और 5-star याचेस हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, मैं अपने जो जिस कंपनी से मैंने बुक करवाया उसको जाके ढूंढते हैं। वैसे तो मैंने बोर्डिंग पास ले लिया, बोर्डिंग पास मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर आने के बाद जो है वो इस तरह से उन्होंने दिया स्लिप बना के, तो उसमें पर्सन्स वगैरह हैं। लेट्स सी के कौन सा है, और अंदर जाके इसको देखते हैं। चैलेंज आ जाए। हाँ, अभी एंट्रेंस हमारी यहाँ से होगी, दिस इज़ आर याच फॉर टुडे, और नीचे वाला एरिया एसी वाला है और ऊपर का जो है ना ओपन डेक के ऊपर है। तो यस, आई विल बी विथ यू, गो। अच्छा जी, अंदर आने के बाद जो है ना वो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये अंदर से मैं आपको व्यू दिखाऊं, ये सिटिंग एरिया आ गया आपका, और जो है अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं आपको ऊपर कड़क दिखाता हूँ। ओके जी, तो ये डोर से निकल कर मैं आ गया हूँ ऊपर, और नाउ आई एम गोइंग अपवर्ड्स, जहाँ पे जाके जो है ना वो ओपन व्यूज़ आएंगे और यहाँ से हमें व्यूज़ अच्छे मिलेंगे। ये ओपन सिटिंग एरिया है। तो वही सीन कुछ ऐसे हैं कि मैंने सोचा कि इससे पहले कि हो जाए सनसेट, थोड़े से व्यूज़ कैप्चर कर लिए जाए, क्योंकि आपको पता है कि 6 बजे की टाइमिंग है यहाँ पर, और 6 बजे के बाद जो है ना वो सूरज ने ग्रूप होना शुरू हो जाना, सनसेट हो जाएगा, तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो डे टाइम वाले व्यूज़ जो है ना वो मैं कुछ कैप्चर करना चाह रहा हूँ, और अभी तक तो क्रूज़ यहीं खड़ा हुआ ही है। आई डोंट नो, 6 तो बज गए,
लेट्स सी कब ये स्टार्ट होता है, सनसेट होता है। ये देखें भाई, रेस हो रही है यहाँ पर, दुबई पुलिस की बोर्ड भी साथ साथ है और ये कोई रेस चल रही है यहाँ पर। वाह, ये भी एक अच्छा व्यू आ गया यहाँ पर देखने के लिए। ये देखें, पुलिस की सिक्योरिटी भी साथ है और कोई रेसिंग कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। खाना पीना तो हो चुका है हमारा और बुफे जो है ना, मतलब डेरा वाले बुफे से तो काफ़ी बेहतर था। और अभी जो है वो टाइम स्टार्ट हो गया है तन्नूरा शो का, तो अभी हम सब इंतज़ार में बैठे हुए हैं। और ये देखे जी, ये मेरे भाई जो है वो रेडी होकर आ चुके हैं तन्नूरा शो के लिए। म्यूज़िक का साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ है, हो सकता है कि मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को क्लियर ना आ रही हो, तो मैं कम से कम बोलूँगा और शो को ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करेंगे सब मिल के। तो भाई ये देखें किस तरह से ये क्रूज को टाई कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि वो अपनी लोकेशन पे प्रॉपर होकर खड़ा हो जाए। This is the night view of Al Jaddaf area. So this is it. और ये था भाई आज का vlog मेरा, जो कि related था cruise से, जो Al Jaddaf से जो हम cruise ले रहे हैं उसका experience मैंने आप लोगों को बताया कि यार Al Jaddaf से जो cruises चल रही हैं वो किस तरह से हैं, कौन कौन सी location इसमें cover हो रही हैं और किस तरह से है। मेन्यू बहुत अच्छा था यहाँ पे, मतलब एज़ कम्पेयर टू डेरा वाले जो मेन्यूज़ है ना, वो उसमें थोड़ा सा खाने का लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे होता है। और मतलब खाने का लेवल मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा था, बारबेक्यू बहुत अच्छा था, राइस बहुत अच्छे थे और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, कोल्ड ड्रिंक अनलिमिटेड काफ़ी, मतलब मैंने तो कोई 8 से 10 दफ़ा कोल्ड ड्रिंक रिफ़िल कराई एंड विदाउट एनी एक्सक्यूज़ जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक का रिफ़िल मुझे मिल रहा था, पानी वगैरह ईच एंड एवरी थिंग बहुत अच्छा था। और मतलब एक्सपीरियंस वॉज़ वेरी गुड और एरिया बहुत अच्छा है, मौसम अब बहुत अच्छा हो चुका है, एक अलग एक्सपीरियंस है। डेरा वाली साइड तो हम विज़िट करते रहते हैं, लेकिन Al Jaddaf वाली साइड जो है ना, दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग, क्योंकि आपको बुर्ज खलीफा वाला व्यू मिल जाता है, क्रीक हार्बर का व्यू मिल जाता है, लाइब्रेरी का व्यू मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मरीना वाला एरिया आपको कवर हो रहा होता है। दैट इज़ ऑसम, मतलब बहुत अच्छा है और वर्थ फॉर मनी है। जितने अमाउंट में आप लोग वहाँ पर ले रहे हैं उससे ही अप्रॉक्स और बार्गेनिंग है यहाँ पर प्राइजेस के अंदर, ठीक है। आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करेंगे आपको अच्छे प्राइस मिल जाएंगे। तो लाइट्स भी अब बंद हो गई, अब हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो फिर मेरे भाई लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी और जगह पर, दुबई की या किसी और भी जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।